अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हम फ्रैंकफर्ट के दूसरे कोने में आए हैं। मालिन जीप बंद करो। और इसलिए हम आज आए हैं कि इजाज़ ने ना कोई हलाल पिज़्ज़ा एंड लज़ानिया की कोई मरोकिश दुकान ढूंढी है, तो हम जा रहे हैं वहाँ। यहाँ पे देखें रश भी काफ़ी ज़्यादा है, तो देखते हैं कि टेस्ट कैसा है और क्या सूरत हाल है। यहाँ काफ़ी रश है यहाँ पे। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है कि हमसे पहले 5 फैमिलीज जो हैं वो वेट कर रही थी, और तकरीबन 5 से 10 मिनट के वेट के बाद अब हमारी बारी आई है। और इनके पास ना तिरामिसू भी है। ऑर्डर डन। सफा लेने जाएगी आप। हलाल सफा, ये बहुत गर्म है, हाथ ना लगाना इसको। और ये लगा, बहुत टेस्टी है, मजा का सफा। मालिन सफा, इनका लतानिया भी अच्छा है और पिज्जा का प्लेट लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश खाना। अब आगे तीरा में तो ये देखते हैं कैसे। हम यहाँ से हुए, चलो जी एहसन की भी तैयारी होगी। एहसन जा रहा है। एहसन मजा आया, हर दफा इधर बैठ जाते जूते पहन। माँ जी एक बहुत अजीम इंसान के रिश्तेदार से मिले हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। नोबेल इनाम की अजीम शान जियाफत के मौका पर डॉक्टर रबी इस्लाम महरूम की तकरीर, स्वीडन के बादशाह पाकिस्तान लिबास में नोबेल इनाम वसूल करते हुए। तो ये आपके क्या लगते थे? इसके जो नाना है मेरे फूफा जान थे पाल साहब। अच्छा, ये और भी आपके पास है तस्वीरें? ये ले जो एक ही। हाँ ये देखें। और ये पाकिस्तानी आजकल जो कर रहे हैं आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, ड्रायर, ये देखो QNLI के साथ तस्वीर। जी ये देखें। आपके कौन से? ये स्पेन के बादशाह के साथ तस्वीर। जबरदस्त। और दिखाए, ये वो शख्स नहीं था जो एक ज़माना था। ये ऐसी अजीम हस्ती हैं जिन्होंने एक अजीम काम किया हुआ था। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम स्पेन के बादशाह से गुफ्तगू करते हुए, अल्लाह ताला इन्हें UNO के सेक्रेटरी के साथ। जी दिखाएं आप, और दिखाएं। ये मेरे वालिद साहब के भाई हैं मलक गुलाम फरीद, 1923 में जर्मनी आए थे ये, और सबसे पहला कुरान करीम में तर्जमा किया इन्होंने इंग्लिश में। अच्छा माशाल्लाह, देखें आपने कितनी अजीम चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। ये वो आदमी है जिसने उस जमाने में एमए किया जब प्राइमरी किसने किया हुआ था। अच्छा माशाल्लाह। यहाँ से? यहाँ 1923 में जब ये गरीब तरीन मुल्क था, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से ये 1923 में जर्मनी आए थे। माशाल्लाह। और ये मेरा शजरा नसब है, ये है मलक साहब। जी बताएं आप क्या बता रहे हैं। 1940 में जो करारदाद पास की थी रेजोल्यूशन, वो अभी तक ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है, शीशे में मड़ी हुई। आप उसकी फोटो लें और देखें वो किस आदमी ने पेश की थी। वो सर मोहम्मद जुफरुल्लाह खां था। और वो आइंदा आप मुझे मिलेंगी ना तो अगली दफ़ा बुलाऊंगा वो करारदाद। चलें ठीक है। और उसने पेश की थी पाकिस्तान की रेजोल्यूशन जो हुआ, आप ये कहते हैं हमारा पाकिस्तान है। और वो पाकिस्तान का सबसे खैर खा जो था ना कायदा में था ना जी, कायदा में सबसे अहम पोस्ट जो होती है वजारत खारजा की, उसको दी थी। 1947 से 54 तक वो रहा है पाकिस्तान का हाउस मिनिस्टर। और उसके बाद इन खबीसों ने उनके खिलाफ एजिटेशन किया, उसे छोड़ के UNO का 6 साल प्रेसिडेंट रहा, और इसके बाद सारी उम्र प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रहा है। यहाँ हेग में वो अदालत है जो कोमा का फैसला करती है।
और ये जो कहते हैं ना ये वो पाकिस्तान में वो राय शुमारी जो जो थी वो फैसला उसने किया था 1950 में। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज हम बच्चों के साथ हवारी कर रहे हैं। बच्चे पहले मुझे घर से एक बस में से लाए, दूसरे बस में से फिर तीसरी, फिर चौथी, आप मुझे वो बांध पे लेके जा रहे हैं। बच्चे गाइड कर रहे हैं माशाल्लाह। और हम जा किस मकसद के लिए रहे हैं बच्चों? फलस्तीन, फ्री फलस्तीन के लिए जा रहे हैं। जलसा है एक, तो उसी से जो है उन्हीं के साथ उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ बनने जा रहे हैं। अल्लाह पाक कुल मोमिनीन मोमिनात को हदायत दे, और मुसलमानों पे जिस पूरी दुनिया में जुल्म हो रहे हैं अल्लाह पाक उन जुल्म करने वालों को नहीं दबाओ बर्बाद करें। ये हम उबान से उतर आए हैं, अब हम जा रहे हैं हॉफ्ट वाके की तरफ। लाइबा अपना अबाया उठाना। ये हम पहुंच आए हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे सबको जो है वो कैद किया हुआ है, वो अंदर चारों तरफ जो है लोग घेरे में। यहाँ पे देखें आप कितना रश है फलस्तीन के खिलाफ, जो है फलस्तीन के लिए आवाज़ उठाई इसराइल के खिलाफ। तो यहाँ पे भी जर्मन पुलिस ने मुसलमानों को जो है वो अपने घेरे में ले लिया। यहाँ से ये बाहर नहीं निकल सकते। तकरीबन 3 घंटे से ये लोग अंदर फंसे हुए हैं, ना यहाँ से कोई अंदर जा सकता, ना इस दायरे से कोई बाहर आ सकता है। ये सफ़ा मालीन भी जो है वो बोलने के लिए आई हैं, आवाज़ उठाने के लिए जुल्म के खिलाफ। तो चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखें ये दायरे के अंदर सारे लोगों को घेरा हुआ है, वो अंदर आपको मुसलमान खड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी इंडियन सब आवाज़ उठाने आए, सभी का कुछ भी सब को अपने यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा लोग हैं, पुलिस वाले और दूसरे। पुलिस थोड़ी सी अब देखो हो गए एक साथ, हो गए लोगों को छोड़ दिया। देखो लाइबा पुलिस एक साथ हो गई, लोगों को छोड़ गए। अब देखें कोई मैसेज आया इन्हें, अब बच्चे जा सकते हैं मम्मा, अब लोग जा सकते हैं, हम भी चलें। नहीं देखें ये इन्होंने एक मिशन बनाया, पुलिस सारी इकट्ठी हो गई है, पूरी दुनिया की पुलिस। और अवाम जो है वो पीछे है, पुलिस बीच में इकट्ठी हो गई है। पता नहीं ये क्या फैसला करेंगे, क्या करने वाले हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जो इन्होंने दायरा बनाया हुआ था वो दायरा इन्होंने हटा दिया अवाम के इर्द गिर्द से, ताकि बंदे उससे मिल सके। So, hier nochmal eine Durchsage der Polizei an die Personen, die an der Versammlung oder an den verbotenen Versammlungen hier rechtswidrig teilgenommen haben.
Verlassen Sie jetzt die Hauptwache in verschiedene Richtungen, in kleinen Gruppen oder einzeln. Also entfernen Sie sich jetzt von der Hauptwache. Alle Personen, die an der verbotenen Versammlung teilgenommen haben. का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जुल्म के खिलाफ आपको हमेशा आवाज उठानी चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आवाज उठाएं, आवाज नहीं उठा सकते, उसको बुरा भला कहें, बुरा भला भी नहीं कह सकते, तो दिल में कम से कम ये सोचें, बोलें, समझे कि ये गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, और दुआ मांगनी चाहिए। इसलिए हम भी इस पार्ट का हिस्सा बनने आए थे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने आए थे कि मुसलमानों को आजाद किया जाए, मुसलमानों के लिए आसानियां किया जाए, इतने जुल्म ना ढाले जाएं कि बच्चों को जिंदा जला देना, बम धमाके हो रहे थे, इतना जुल्म, इतनी जुल्म की इंतहा, अल्लाह माफ करे। और फिर जो बंदे उनके साथ ले रहे थे, उनको भी उन्होंने ऐसे फिकरा दिया कि वो अपनी सिर से हट जी। ये बच्चे भी देखें, आवाज का हिस्सा बनने आए हैं। वरुण जाइते रिया, हेलो, ये देखें सिक्योरिटी एरोप्लेन भी फौरन उसी जगह पे दो तीन जो हैं वो फिर रहे हैं कि खुदा ना हास्ता कोई खतरा, कोई इस तरह की चीज हो तो फौरन ये रिएक्ट करे। लाइबा देख रही हूँ, और ये स्टॉप है, ये ऊपर देखें, ये स्टॉप खड़ा है, और इतनी टेक्नोलॉजी है कि जो दायरे में इन लोगों को घेरा हुआ था वहाँ का नेट ही बंद कर दिया, सिमें ब्लॉक कर दी। क्या टेक्नोलॉजी थी, लोगों से रابطہ ख़त्म हो गया था। अब हमारा भी अपनी दोस्त से रابطہ नहीं हुआ, अब हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम सबको अपनी दुआओं को में याद रखें, अल्लाह ताला कुल मोमिनीन मोमिनात के लिए आसानियाँ करे, फ़लस्तीन को आज़ादी वाली ज़िंदगी दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। مبارزه برای لغو مجازات اعدام می‌خواهیم از همه کسانی یاد کنیم. الله حافظ.